अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसका ट्यूटोरियल लाऊंगा अली एक्सप्रेस 3-in-1 डील का, तो मैं लेकर हाजिर हूँ। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर से आउटलुक ऐप डाउनलोड कर लेनी है और इस पर एक अकाउंट बना लेना है जैसे मैंने बनाया है। अकाउंट बनाने के बाद आपने कोई से भी एक VPN ओपन कर लेना है और उसको किसी भी कंट्री से कनेक्ट कर लेना है, USA, UK, किसी भी कंट्री से। ये करने के बाद आपने डक ब्राउज़र ओपन करना है और उसमें aliexpress.com पे जाके उस पर अपना अकाउंट रजिस्टर कर लेना है जिस तरह मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपने अपना वेरिफिकेशन कोड एंटर करना है। मैं एंटर कर रहा हूँ वेरिफिकेशन कोड का, ये कोड आ गया। अब इसको लगाएंगे AliExpress पे। हमारा अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने सबसे पहले जाके VPN को डिसकनेक्ट करना है। डिसकनेक्ट करने के बाद VPN को हमने दोबारा से ब्राउज़र को क्लोज करके ओपन करना है और न्यू टैब को ओपन करके उस पर aliexpress.com पे चले जाना है। यहाँ पे हमसे बोलेगा दोबारा से अकाउंट साइन इन कर, तो आपको फिर से अकाउंट को साइन इन कर लेना है इस पर। साइन इन करने के बाद ये हमसे बोलेगा नंबर की वेरिफिकेशन करो, तो नंबर की वेरिफिकेशन के लिए एक साइट है tempsmss.com, हम उस पर चले जाएंगे। Exaggerated, that's what you assume.
इस पर जाने के बाद हम ऊपर USA का नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं और इसमें से कोई भी एक नंबर पर ट्राई करते हैं जो वर्किंग हो, जिस पर कॉल डाल दें। इसको मैं वीडियो के प्रोसेस को थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये तो दोस्तों कोड आ चुका है, कोड हम लगा देते हैं इस पर, अकाउंट हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब हमने चले जाना है F1VM रेजिंग मशीन, ये आपको गूगल से डाउनलोड कर लेनी है। आपको मैं ये और इसका मैं लिंक भी कमेंट सेक्शन में दे दूँगा। इसको ओपन करने के बाद आपने ऐड ऐप पे क्लिक करना है और डग को डग ब्राउज़र पर इसमें ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने ऐप को ओपन करके इस पे AliExpress.com पे चले जाना है। वहाँ पर जाके आपने इस पे साइन इन कर लेना है, ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा लॉगिन पेज पे डायरेक्ट। साइन इन करने के बाद आपने हमारे अकाउंट में चले जाना है और इस पर जाके सेटिंग में जाके आपने अपनी जो सेटिंग में जो शिपिंग है ना उसको अपनी कंट्री पर सेलेक्ट कर देना है। मेरा PKR है, मैं इसको पाकिस्तान कर देता हूँ। पाकिस्तान करने के बाद मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो जो इसकी करेंसी है वो भी PKR में हो जाएगी। PKR में होने के बाद हमने करेंसी को इंडोनेशिया रुपया में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद हमने फिर से AliExpress.com पे जाना है और आप देख सकते हैं करेंसी रुपया शो हो रही है। अब आपने ऐप में आ जाना है AliExpress के। ऐप में आने के बाद आपने यहाँ पे 3-in-1 डील को ओपन करना है।
like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. I'm here and I'm feeling.